गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर स्टडिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इन विच टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ, टिल, अंटिल एंड अनलेस। ये चारों लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो द वेरी फर्स्ट यूज इज इफ। इफ क्या है? इफ एक कंजक्शन है। इफ एक कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसका मतलब होता है यदि, अगर। बट टिल, टिल इज अ कंजक्शन, टिल एक कंजक्शन है और कंजक्शन के साथ साथ ये क्या है? प्रेपोजिशन है। टिल कंजक्शन भी है और प्रेपोजिशन है। टिल का यूज लैंग्वेज में बहुत ज्यादा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल का हिंदी अर्थ क्या होता है? तक, जब तक। नेक्स्ट इज अंटिल एंड अनलेस। अंटिल एंड अनलेस दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। अंटिल एंड अनलेस दोनों क्या है? निगेटिव कंजक्शन होते हैं, इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। टिल का यूज जब कंजक्शन के रूप में हम लोग करते हैं तो टिल के साथ भी नॉट का यूज नहीं होता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इसका लैंग्वेज में हम लोग कैसे यूज करेंगे। सो द फर्स्ट यूज इज इफ। इफ क्या है? मैंने बताया ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? निर्भर, आश्रित संयोजक, डिपेंडेंट। लास्ट क्लास में मैंने डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया था। आप चाहें तो उस क्लास को स्टडी करके डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इफ का यूज कंजक्शन में, मैं अभी आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कंजक्शन में इफ का यूज कैसे करेंगे, लैंग्वेज में कैसे करेंगे। लेकिन इफ का यूज एडवांस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसका यूज एडवांस बेस पर किया जाता है। इसको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस में इफ का यूज कैसे हम करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। अच्छा, इसमें देखिए मैंने क्या कहा, डिपेंडेंट क्लॉज। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यानी आपका पास होना किस पर निर्भर है? आपके कठिन परिश्रम पर। यानी ये क्या है? ये एक निर्भर रहता है दूसरे सेंटेंस पर। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इफ हो, टिल हो, अंटिल हो, अनलेस हो, इनके बाद या आप कह सकते इनके साथ जो सेंटेंस आता है, अगर वो फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे भी। फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज इन सब के बाद नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिए, देखिए, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, फ्यूचर में आ रहा है ना गागेगी, लेकिन यहाँ पे विल शैल नहीं लगेगा। इफ यू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी टेंस में होता है, चाहे वो फ्यूचर के टेंस में हो, चाहे किसी भी टेंस में हो, वो हो सकता है, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट को आप पहले भी लिख सकते हैं और इस पॉइंट को बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। अगर तुम उसे देखो तो उसे यह नोट दे देना। इफ यू सी हिम गिव हिम दिस नोट। इफ यू सी हिम गिव हिम दिस नोट। नेक्स्ट देखिए, यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रुक सकते हैं, आप यहाँ ठहर सकते हैं, इफ यू लाइक, अगर आप चाहें, यानी अगर आप चाहें तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा इफ का यूज कंजक्शन के रूप में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवांस स्ट्रक्चर में इफ का यूज हम लोग कैसे करते हैं। एडवांस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इसका यूज है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। इफ का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस के थ्रू एडवांस लैंग्वेज में बहुत ज्यादा किया जाता है, आइए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर प्रेजेंट के कंडीशन में इसको देखें तो ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? इफ, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर प्रेजेंट के सिंपल टेंस में ये हो सकता है, यानी या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और जो दूसरा हमारा सेंटेंस होगा वो या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा या फिर किसी और भी टेंस में हो सकता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अगर तुम आए तो मैं भी आऊंगा। इफ यू कम आई विल आल्सो कम।
एडवांस लैंग्वेज में इस पैटर्न पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इफ यू कम आई विल आल्सो कम, हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर तुम आए तो मैं भी आऊंगा, अगर तुम्हारे पिताजी घर पर हुए तो वो नहीं आएगा, इफ योर फादर इज एट होम ही विल नॉट कम, अगर तुम्हारे पिताजी घर पर हुए तो वो नहीं आएगा, इफ यू हेल्प मी अगर आप मेरी मदद करेंगे आई विल ऑल्सो हेल्प यू, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा, हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपका करूंगा, आप अगर मेरी मदद नहीं किए तो मैं भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखिए, इफ आई गो देयर अगर मैं वहां जाऊं आई विल मीट हिम तो उससे मिलूंगा, अगर मैं वहां गया तो उससे मिलूंगा, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा अगर मैं वहां जाऊंगा तो उससे मिलूंगा, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ आई गो देयर अगर मैं वहां गया आई विल मीट हिम तो उससे मिलूंगा। नेक्स्ट देखिए, इफ रमेश प्लेज अगर रमेश खेलेगा देन ओनली, यहां यूज क्या है हमारा देन ओनली का, अगर रमेश खेलेगा तो ही देन ओनली तो ही आई विल प्ले मैं खेलूंगा, अगर रमेश खेलेगा तो ही मैं भी खेलूंगा, यानी रमेश नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा, ये हम लोग आमतौर की भाषा में बहुत ज्यादा बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए जरा, यदि आप कक्षा में उपस्थित नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इफ यू डोंट अटेंड द क्लास, इफ यू डोंट अटेंड द क्लास, ध्यान दीजिएगा इफ के बाद नॉट का यूज होता है लेकिन अनटिल और अनलेस के बाद नॉट का यूज नहीं होता है, क्लियर समझ में आया, इफ यू डोंट अटेंड द क्लास अगर आप कक्षा में उपस्थित नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अटेंड द क्लास यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है प्रेजेंट के कंडीशन में, इसी तरीके से इफ का यूज पास के कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा किया जाता है, ये मैंने आपके प्रेजेंट के कंडीशन में बताया था कि इफ का यूज आप एडवांस स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे, जब मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो उसमें पास के कंडीशनल सेंटेंसेस को पूरा डीपली मैं पढ़ाऊंगा, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, टिल, टिल का यूज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।